महायुद्ध निकट है। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया। मैं आप सबको नैतिकता के अंधकार से मुक्ति दिलाने आया हूँ। हेलो दोस्तों, फिल्म एक्सप्रो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 2020 से 2023 में रिलीज हुए अब तक के 10 बेहद ही बेहतरीन सस्पेंस क्राइम थ्रिल सीरीज, जिन्हें आप सभी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये सभी सीरीज को देखने के लिए आपको अपने पैकेट से एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इन सभी सीरीज को बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा से ही देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सभी सीरीज कौन कौन सी, और हाँ, नंबर 1 और नंबर 2 वाली सीरीज को मिस करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए काउंटडाउन को शुरू करते हैं। नंबर 10 के प्लेस पे है क्रैकडाउन, जिसे IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी दिखलाई गई है डियो नाम के एक ऐसे अंडरकवर एजेंट की, जो कि दुश्मनों से अपने देश को बचाने का काम करता है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब दुश्मनों के हाथ में इंडिया के अंडरकवर एजेंट्स की सारे पर्सनल डिटेल्स हाथ लग जाती है, जिसके कारण इंडिया की सिक्योरिटी सिस्टम खतरे में पड़ जाती है। तो इस कंडीशन में डियो अपने देश को कैसे बचाता है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। सीरीज वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे आप बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा से ही देख सकते हो। और हाल ही में इसका सीजन 2 भी रिलीज किया जा चुका है। नंबर 9 के प्लेस पे है लंडन फाइल्स, जिसे IMDb पे 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी फोकस करती है ओम नाम के एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, जिसके पास लंडन के एक बहुत बड़े आदमी की बेटी के गायब होने की केस आई हुई है। पर इसी के साथ उसके लाइफ में कुछ पर्सनल इशू भी चल रहे, तो आखिर वो इन दोनों सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, और वो लंदन के इतने बड़े व्यक्ति के केस सॉल्व कर पाता है या नहीं, और हाँ तो आखिर कैसे, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। और इस सीरीज को भी आप बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा से ही देख सकते हो। इसी के साथ अगले नंबर 8 के प्लेस पे है कोड एम, जिसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी मेनली फोकस करती है इंडियन आर्मी की तरफ से किए गए एक ऐसे इनकाउंटर की, जिसमें दो आतंकवादी के साथ एक इंडियन आर्मी भी मारे जाते हैं। पर इस इनकाउंटर के बाद ये बात सामने आने लगती है कि वो दोनों आतंकवादी कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक आम सिविलियन ही थे। इस वजह से उन पे काफी सवाल उठने लगते हैं। इसकी वजह से इसकी सारी सच्चाई को सामने लाने के लिए बुलाया जाता है मोनिका को, जो कि एक आर्मी लॉयर है। और इसके बाद मोनिका के सामने जो कुछ भी सच्चाई सामने आती है, ये सब कुछ जानने के लिए देखनी होगी। और इसके भी अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। नंबर 7 के प्लेस पे है मेमोरी, जिसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी फोकस करती है सिद्धार्थ नाम के एक ऐसे व्यक्ति की, जिसके पास कुछ ऐसे मिस्टीरियसली पावर आ गए हैं, जिसके बाद वो किसी भी डेड बॉडी को टच करता है तो उसके लास्ट मोमेंट में चल रहे सिचुएशन दिखने लगते हैं। इसी वजह से वो पुलिस के काफी सारे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प भी करता है। पर इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके कारण कहानी में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ जाती है। तो आखिर इसके बाद क्या होता है, और क्या सिद्धार्थ की ये पावर सुपर पावर सच में है भी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। इसी के साथ अगले नंबर 6 के प्लेस पे है मर्जी, जिसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है अनुराग नाम के एक ऐसे फेमस डॉक्टर की, जिसके पत्नी के डेथ हो जाने के बाद वो समीरा नाम के एक स्कूल टीचर के साथ डेट फिक्स करता है। पर उसकी लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब समीरा डेट के दूसरे दिन ही अनुराग पे रेप का इल्जाम लगा देती है। और इसके बाद आखिर कहानी में आखिर जो कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। और इस सीरीज को भी आप बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा से ही देख सकते हो। नंबर 5 की प्लेस पे है अनलीगल, जिसे IMDb पे 8.1 की काफी बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी फोकस करती है निहारिका नाम के एक ऐसे लॉयर की, जो कि अपने करियर के शुरुआती दौर में कुछ ऐसे कांड कर देती है, जिसके बाद उसे मैड लॉयर का दर्जा दे दिया जाता है। पर उसकी लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब शहर के सबसे बड़े लॉयर जेजे अपने टीम में उसे ज्वाइन करने को इन्विटेशन देते हैं। और इसके बाद आखिर कहानी में जो कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। और इसके भी अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, वो भी बिल्कुल फ्री जियो सिनेमा पे। और इसी के साथ अगले नंबर 4 की प्लेस पे है कैंडी, जिसे IMDb पे 8.3 की काफी बेहतरीन से रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी की शुरुआत होती है एक स्कूल में एक छोटे से बच्चे की, जिसे मारकर उसकी बॉडी को जंगल के पेड़ में टांग दिया जाता है। तो आखिर एक छोटे से बच्चे की इतनी बहरम तरीके से हत्या किसने और क्यों की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में शहर के कुछ ऐसे डार्क सच्चाई सामने आती है, जिसके बाद आपके होश भी उड़ने वाले हैं। लिटरली सीरीज की स्टोरी काफी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है, जिसे आप सभी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। और इस सीरीज को भी आप बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा से ही देख सकते हो। और इसी के साथ अगले नंबर 3 के प्लेस पे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सीरीज अपहरण, जिसे IMDb पे 8.3 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी फोकस करती है रुद्र नाम के एक ऐसे सीनियर इंस्पेक्टर की, जो कि अपने ईमानदारी के कारण जेल की सलाखों के पीछे है। पर जेल से बाहर आने के बाद उसकी लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब एक फेक अपहरण में एक बार फिर से फंस जाता है। और इसके बाद आखिर जो कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जिसकी स्टोरी वाकई बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होने के साथ काफी फनी है, जिसे आप सभी को मिस तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जिसका लुक तो आप बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा से ही उठा सकते हो। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट में अगले टॉप 2 की ओर। पर उससे पहले अगर आपको ये मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ऐसी और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर।
और नंबर 2 के प्लेस पे है इंस्पेक्टर अविनाश, जिसे IMDb पे 8.4 की काफी बेहतरीन सी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी की शुरुआत अविनाश नाम के एक ऐसे बेहद ही फेमस इंस्पेक्टर से होती है जिसपे एक मर्डर का इल्जाम लग जाता है और इसके बाकी के स्टोरी में इसकी फ्लैशबैक दिखाई जाती है। तो क्या वाकई अविनाश ने मर्डर किया है या नहीं, या फिर उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी जो कि हाल ही के दिनों में जियो सिनेमा पे रिलीज की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर, और नंबर 1 की प्लेस पे है नो डॉट इंडिया की बेहद ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज असुर, जिसे IMDb पे 8.4 की काफी बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है कैसी साथी सीरियल किलर की, जो कि अलग अलग शहर में लोगों की काफी मिस्टीरियस तरीके से हत्या कर रहा है और मर्डर करने के बाद उसके मिडिल फिंगर काट कर रख लेता है। तो आखिर ये साथी सीरियल किलर है कौन और क्या पुलिस इसका पता लगा पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। और अच्छी बात यह है कि काफी लंबे इंतजार के बाद इस सीरीज का सीजन 2 भी जियो सिनेमा में बिल्कुल फ्री में रिलीज किया जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी वेब सीरीज आपको पसंद जरूर आए होंगे, पर इस लिस्ट में आपने किन किन सीरीज को पहले से ही देख कर रखा था और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट से बताना तो बिल्कुल भी ना भूले। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।